हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल वीडियो में अपन बात करने वाले बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे कि कैसे एक टीवी सीरियल से उन्होंने बॉलीवुड का सफ़र तय किया और बन गए बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर। साथ ही बात करेंगे उनकी एज, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली, इनकम, कार कलेक्शन, हाउस अवार्ड, नेटवर्थ और उनकी स्ट्रगलिंग जर्नी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है शाहरुख खान, साथ ही उनका निक नेम है SRK, किंग खान, किंग ऑफ रोमांस और बादशाह। शाहरुख खान प्रोफेशन से एक्टर, मॉडल और एक प्रोड्यूसर है। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ था। अभी 2022 में वह 57 ईयर के हो चुके हैं। शाहरुख खान का जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था, साथ ही उनका होम टाउन भी न्यू दिल्ली में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से कंप्लीट की थी, साथ ही उन्होंने अपना कॉलेज हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है। आपको बता दें शाहरुख खान MA में ग्रेजुएट भी है। बात कर लेते हैं उनकी हॉबीज के बारे में। तो उनको वीडियो गेम और क्रिकेट खेलना, साथ ही गैजेट कलेक्ट करना बहुत पसंद है। अब बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान जब 16 साल के थे तभी उनके पिता की डेथ हो गई, जिसके बाद शाहरुख खान ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगे। शाहरुख खान अपने कॉलेज डेज में थिएटर किया करते थे, जिसकी वजह से 1988 में शाहरुख खान को टीवी सीरियल दिल दरिया में काम करने का मौका मिला, लेकिन यह टीवी शो फ्लॉप रहा। जिसके बाद अगेन 1989 में शाहरुख खान को एक और टीवी सीरियल फौजी में काम करने का मौका मिला। यह टीवी सीरियल काफी हिट रहा, जिसकी वजह से शाहरुख खान को और भी कई टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। वगली की दुनिया, सर्कस, इडियट और उम्मीद जैसे हिट टीवी सीरियल शामिल है, जिसकी वजह से शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई और उनकी अच्छी एक्टिंग के चलते सबसे पहले बॉलीवुड मूवी दिल आसना है में काम करने का मौका मिला, जो 1992 में आई थी। यह फिल्म रिलीज होते ही हिट रही, जिसकी वजह से अगेन इसी साल शाहरुख खान को दीवाना मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया और बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया। 1994 में शाहरुख खान को कभी हाँ कभी ना मूवी में काम करने का मौका मिला, जिसमें शाहरुख खान को 25,000 रुपये ही दिए गए थे पूरे मूवी के लिए। जिसके बाद 1995 में शाहरुख खान ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में काम किया, जो रिलीज होते ही हिट रही। इसके बाद शाहरुख खान को सोल्ड आउट के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि उनकी मूवी रिलीज होते ही सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाया करती थी। इस मूवी के बाद से शाहरुख खान बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर में शामिल हो गए थे और एक के बाद एक शाहरुख खान ने कई हिट मूवी में काम किया, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। ओम शांति ओम, माई नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस, मैं हूं ना, डॉन, रावण, देवदास, कभी खुशी कभी गम जैसी हिट मूवीज शामिल है। साथ ही आपको बता दें शाहरुख खान रेड चिली एंटरटेनमेंट के नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म है पठान, जो 2023 में आने वाली है। शाहरुख खान को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, जिनकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। साथ ही आपको बता दें शाहरुख खान पहले ऐसे बॉलीवुड एक्टर है जिन्हें अभी तक 14 फिल्मफेयर अवार्ड दिए गए हैं और 2005 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। शाहरुख खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक 29.8 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। आपको शाहरुख खान कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान के फादर का नाम ताज मोहम्मद खान था, जो कि प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन थे। साथ ही उनके मदर का नाम लतीफा फतिमा था, जो कि प्रोफेशन से एक मजिस्ट्रेट थी। इसी के साथ ही उनकी एक सिस्टर भी है। अब बात कर लेते हैं उनकी गर्लफ्रेंड और वाइफ के बारे में। दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान करेंटली मैरिड है। उनके वाइफ का नाम गौरी खान है, जो कि प्रोफेशन से प्रोड्यूसर और एक इंटीरियर डिजाइनर है। साथ ही उनके दो बेटे और एक बेटी भी है। उनके पहले बेटे का नाम आर्यन खान और उनके छोटे बेटे का नाम अब्राहम खान है। साथ ही उनके डॉटर का नाम सुहाना खान है। बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान किसी भी मूवी में काम करने के लिए 50 से 60 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। साथ ही किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए 5 से 6 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। उनकी ज़्यादातर इनकम उनके इन्वेस्टमेंट से होती है और उनकी टोटल नेटवर्थ अप्रॉक्स 5,000 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पे रॉल्स रॉयल्स फैंटम, जिसकी कीमत है 8 करोड़ रुपए। सेकंड नंबर पे बेंटली कॉन्टिनेंटल GT, जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। थर्ड नंबर पे BMW i8, जिसकी कीमत है 2.6 करोड़ रुपीस। फोर्थ नंबर पे BMW 7 सीरीज, जिसकी कीमत है 1.7 करोड़ रुपीस। फिफ्थ नंबर पे है BMW 6 सीरीज, जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। सिक्स नंबर पे Audi A6, जिसकी कीमत है 65 लाख रुपीस। सेवन्थ नंबर पे है बुगाटी चेरॉन, जिसकी कीमत है 19 करोड़ रुपए।
एट नंबर पे टोयोटा लैंड क्रूजर जिसकी कीमत है 1.8 करोड़ रुपीस, और नाइन्थ नंबर पे पजेरो SFX जिसकी कीमत है 22 लाख रुपए। साथ ही बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, शाहरुख खान करंटली अपने फैमिली के साथ में मन्नत हाउस बांद्रा मुंबई में रहते हैं, और उनके इस घर की कीमत अप्रॉक्स 200 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। आप उनके घर की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको बॉलीवुड के और भी एक्टर की बायोग्राफी और लाइफस्टाइल वीडियो देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।